अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स में बुधवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ एम्स डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने किया। इसके तहत पहला कार्ड हरियाणा की महिला रमनजीत कौर को बनाकर सुपर्द किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एम्स डायरेक्टर मिश्रा ने बताया कि इस योजना से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही विशेष तौर पर गरीब लोगों को इस योजना से इलाज में आसानी होगी। वहीं एम्स के अधीक्षक अरविंद सिन्हा ने बताया कि प्रथम दिन शुरुआत में कुल 3 कार्ड बनाए गए, काउंटर पर कुल 9 कर्मचारी लगाए गए जो अस्पताल में आने वाले लोगों का आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने का कार्य करेंगे। ये जो मरीज जो कि ट्रीटमेंट में पैसा अपना खर्च करना पड़ता है, इसके तहत मरीज को सब सुविधा फ्री गवर्नमेंट की तरफ से होगी और एक ये बहुत अच्छी स्कीम है। उम्मीद करते हैं बहुत से लोग इससे फ़ायदा मिलेगा। इससे आज ही शुरू किया है, कुछ दिनों में मालूम पड़ेगा इसमें कितने लोग और आते हैं। कि एम जोधपुर ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है, ठीक है ना, तो इसमें जो गरीब लोग हैं, जो हर स्टेट के रजिस्ट्री में होते हैं, गरीब के रजिस्ट्री में होते हैं, उनको निःशुल्क उपचार किया जाएगा। तो उनको पहले जो है, जो मरीज़ इस योजना के तहत आते हैं, उनको यहाँ पे आना पड़ेगा काउंटर पे अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। अगर वेरिफिकेशन हो जाए कि इस लिस्ट में है जिसमें उनको बेनिफिट मिलेंगे, तो उनको एक कार्ड, गोल्डन कार्ड बनता है। आज ही हमने 3 लोगों को कार्ड दिए हैं और एक बार उनका कार्ड बन जाएगा तो देश के किसी भी कोने में जाके इस सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और निःशुल्क इलाज ले सकते हैं।